आवारा पशुओं के लिए बनी सरकारी योजनाएं जहां ठंडे वस्ते में धूल फांक रही हैं, वहीं क्षेत्र के दो समाज सेवी युवाओं ने लोगों द्वारा छोड़े गए आवारा, बीमार व घायल पशुओं के इलाज का बीड़ा उठाया है। ग्राम पंचायत देवत के जड़ाना गांव से ताल्लुक रखने वाले युवा समाज सेवी विशाल चौहान और लोअर देवत निवासी संदीप चोपड़ा घायल गौओं का उपचार कर पुण्य कमा रहे हैं। गाड़ियों की टक्करों से घायल इन पशुओं में से कईयों के जख्मों पर तो कीड़े तक पड़ चुके थे। इन युवाओं का कहना है कि सरकारी पशु चिकित्सालयों में दवाइयां उपलब्ध न होने से इन बेसहारा आवारा पशुओं के इलाज में कई दिक्कतें आ रही हैं। यदि सरकारी पशु चिकित्सालयों में आवश्यक एंटीबायोटिक व अन्य दवाइयां मिलनी शुरू हो जाएं, तो इस प्रकार के कई पशुओं को बेमौत मरने से बचाया जा सकता है। मेरी सरकार से ये मांग है कि जितने भी आवारा पशु सड़कों पर बेसहारा पशु सड़कों पर, इनके लिए गौ सदन की व्यवस्था की जाए और इनको जल्द से जल्द सड़कों से हटाया जाए। अक्सर ये गाड़ियों के गाड़ी वालों के शिकार हो रहे, किसी की टांगें टूट गई है, किसी की कई तरह की हो चुकी है। और दूसरा ये है कि जितने भी ये बैठने दिए है, इसमें एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऐसा होना चाहिए जो इनका ट्रीटमेंट, स्पेशली इनका ही ट्रीटमेंट करे। माननीय उच्च न्यायालय के अनुसार अभी तक चौपाल के अंदर इन पशुओं के लिए कोई भी गौ सदन नहीं बनाया। हजारों पशु सड़कों पे आवारा कुत्तों, जंगली जानवरों और गाड़ी वालों के शिकार हो रहे हैं। मेरी प्रशासन से यही मांग है कि इनको जल्द से जल्द सड़कों से हटाकर इनके लिए उचित व्यवस्था की जाए। पशुओं को सड़कों पर ना छोड़े, उन्हें आवारा ना बनाएं और उनको सड़कों पर कई तरह की दिक्कतें झेलनी पड़ रही है गाड़ियों की, और ड्राइवरों को भी चाहिए कि वो अपने वाहन केयरफुली चलाएं, इन्हें चोट ना करें और इनके उपचार में कुछ तो हमें अस्पताल से दवाइयां नहीं मिल रही है। अगर हमारे अस्पतालों में दवाइयां उपलब्ध हो तो इनका उपचार किया जा सकता है, अन्यथा ये जीवन से भी। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए नेरवा से सुरेश सूद की रिपोर्ट।